नागासाकी हिरोशिमा की तबाही बहुत कम लगी थी। पांच करोड़ मिसाइलों से खतरनाक है एक परमाणु बम। साठ साल का टॉप सीक्रेट आज खुलने वाला है। टीवी पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु धमाका। आगे 25-20 साल तक वहां की जो एयर अर्थ वाटर सब कंटामिनेट होगी। धरती के खात्मे का हथियार। नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। आपने आज से पहले जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बमों का धमाका देखा है। कुछ दिनों पहले लेबनान की राजधानी बैरूत में ऐसा धमाका देखा जिसने पूरे देश को हिला दिया। लेकिन आज हम आपको दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम और सबसे बड़ा परमाणु धमाका दिखाने वाले हैं, जो आज से 60 साल पहले हुआ था, लेकिन इसका वीडियो 60 साल बाद जारी किया गया है। ये परमाणु बम अगर अपनी पूरी क्षमता से फटता तो दुनिया में मानवता का खात्मा हो जाता। आप देखिए 60 साल पहले रूस ने कैसे और क्यों बनाया था सबसे बड़ा परमाणु बम। क्या एक बम से पूरी दुनिया का अस्तित्व खत्म हो सकता है? क्या एक बम से इंसानियत का वजूद मिट सकता है? क्या एक बम से पूरी दुनिया का भूगोल बदल सकता है? इस सवाल का सही जवाब हासिल करने के लिए आपको आज से 60 साल पहले की तस्वीर देखनी होगी। वर्ष 1961, आज के रूस और तत्कालीन सोवियत संघ ने दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली और खतरनाक हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। उस वक्त ये धमाका दुनिया के लिए टॉप सीक्रेट था, जिसके बारे में धमाका करने वाले रूस के अलावा किसी भी देश को कानो कान तक खबर नहीं हुई थी। लेकिन 60 साल बाद आज आप टीवी पर इस टॉप सीक्रेट लेकिन दुनिया के सबसे खतरनाक विस्फोट को पहली बार देख रहे हैं। रूस ने दुनिया के सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का वीडियो दुनिया के सामने जारी कर दिया है। एक डॉक्यूमेंट्री में अब तक टॉप सीक्रेट रहे इस महाविनाशक वीडियो में सबसे बड़े परमाणु बम विस्फोट का पूरा विवरण दिया गया है। इवान नामक इस परमाणु बम की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जापान के हिरोशिमा में गिराए गए अमेरिका के परमाणु बम लिटिल बॉय से यह 3,333 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। यानी इससे होने वाली तबाही भी हिरोशिमा में हुई तबाही से 3,333 गुना ज्यादा होती। अमेरिका के साथ चल रहे कोल्ड वॉर के दौरान अपनी ताकत दिखाने के लिए रूस ने 30 अक्टूबर 1961 को बैरेंट्स सागर में यह परीक्षण किया था। इस परमाणु बम की विनाशक क्षमता को देखते हुए इसे धरती के खात्मे का हथियार कहा जाता है। रशिया कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरा विश्व में फैलाने की कोशिश कर रही थी। अमेरिका सारे डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेसी होना चाहिए करके उस आइडिया के ऊपर
अटलता। तो ये दोनों आइडियोलॉजी के साथ साथ एक कलह हो रहा था, एक शीतल समर हो रहा था। इसके सिवा ये इन्होंने ऐसा बनाया कि अमेरिका को बताने के लिए देखो कम्युनिस्ट होते हैं हम कितने तगड़ ताकतवर हैं। रूस का ये इवान परमाणु बम विस्फोट दुनिया में अब तक हुए परमाणु विस्फोटों में सबसे शक्तिशाली है। ये करीब 50 मेगाटन का था और ये 5 करोड़ टन परंपरागत विस्फोटकों के बराबर ताकत से फटा था। सोच कर देखिए 5 करोड़ टन विस्फोटकों का धमाका दुनिया के किसी भी देश में हो जाए तो कैसी तबाही आ सकती है। यही वजह है कि इस परमाणु बम को रूसी विमान ने आर्कटिक समुद्र में नुवाया जिमलिया के ऊपर बर्फ में गिराया था ताकि किसी भी तरह की आबादी से धमाके वाली जगह सैकड़ों हजारों मील दूर हो। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब माना जाता है। इसका कोड नेम रूसी भाषा में जार बॉम्बा यानी किंग ऑफ बॉम्ब्स रखा गया था। रूस ने जिस इलाके में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बम का परीक्षण किया था उस इलाके का भूगोल धमाके के बाद पूरी तरह से बदल गया था। दुनिया ने उस वक्त परमाणु बम की तबाही तो देख ली थी लेकिन रूस ने इस परीक्षण से साबित कर दिया था दोबारा कभी परमाणु बमों से युद्ध छिड़ा तो दुनिया से मानवता का खात्मा भी हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा बम जिसके फटने पर दुनिया में तबाही और बर्बादी आ सकती थी, रूस ने आज से 60 साल पहले उसका परीक्षण किस तरह से किया होगा, कितनी सावधानी बरती गई होगी और किस तरह इस धमाके का वीडियो बनाया गया होगा, यकीन मानिए ये बहुत मुश्किल काम था। और बम को गिराने वाले और वीडियो बनाने वाले प्लेन के बचने की उम्मीदें भी 50% ही थी। दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल पूरे गोला बारूद से 10 गुना शक्तिशाली जार बम। एटम बम और हाइड्रोजन बम की तकनीक मिलाकर तैयार किया गया जार बम। जार बम अगर पूरी ताकत से फटता तो कुछ भी नहीं बचता। यही वजह है बम तैयार होने के बाद वैज्ञानिकों को यह डर लगा कि कहीं एटमी टेस्ट इतना भयानक न हो कि उससे सोवियत संघ को ही नुकसान पहुंचे, इसलिए इसमें विस्फोटक कम कर दिए गए थे। अभी भी शक्तिशाली हथियार तो बनाए जा रहे हैं लेकिन वो इतने बड़े नहीं हैं। आज के दिन में ज्यादा जोर क्लीन वेपन्स पर है बनिस्बत डर्टी वेपन्स के। यील्ड भी है और नुकसान भी हो। चलिए अब आपको बताते हैं आखिरकार इतने खतरनाक और बड़े बम का धमाका किस तरह करवाया गया, क्योंकि ये गलती का मतलब ये बम दुनिया का सबसे बड़ा भस्मासुर बन जाता। ये इतना विशाल एटम बम था कि इसके लिए खास लड़ाकू जहाज बनाया गया। आमतौर पर हथियार और मिसाइलें लड़ाकू जहाजों के भीतर रखी जाती हैं, लेकिन जिस जार बम यानी सबसे बड़े एटम बम को सोवियत वैज्ञानिकों ने बनाया था वो इतना बड़ा था कि उसे विमान से पैराशूट के जरिए लटका कर रखा गया था। इसके लिए सोवियत लड़ाकू विमान तुपोलोव 95 के डिजाइन में बदलाव किए गए थे। 30 अक्टूबर 1961 के दिन तुपोलोव 95 विमान ने पूर्वी रूस से उड़ान भरी थी। इसमें उस वक्त का सबसे बड़ा एटम बम यानी जार बम रखा गया था जिसका परीक्षण किया जाना था। ये एटम बम 8 मीटर लंबा और 2.6 मीटर चौड़ा था जिसका वजन 27 टन से भी ज्यादा था। यह बम अमेरिका के लिटिल बॉय और फैटमैन एटम बमों जैसा ही था जिसका इस्तेमाल अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर किया था, लेकिन यह बम उनके आकार से बहुत बड़ा था। यह पल भर में एक बड़े शहर या छोटे देश को खाक में तब्दील कर सकता था। सोवियत लड़ाकू जहाज टुपोलोव 95 इसे लेकर रूस के पूर्वी इलाके में मौजूद द्वीप नोवाया जिमलिया पहुंचा। इसके साथ ही एक और विमान उड़ रहा था जिसको कैमरे के जरिए बम के विस्फोट की तस्वीरें उतारनी थी।
इन विमानों पर खास तरह का पेंट भी किया गया था, जिसका मकसद विमानों को परमाणु बम के विकिरण से बचाना था। जार बम को टुपोलो विमान ने करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई से पैराशूट के जरिए गिराया। इसकी वजह ये थी कि जब तक विस्फोट हो तब तक गिराने वाला लड़ाकू जहाज और तस्वीरें उतारने के लिए गया विमान दोनों सुरक्षित दूरी पर पहुंच जाए। बम गिराकर दोनों विमान करीब 50 किलोमीटर दूर पहुंचे, तब एक भयंकर विस्फोट हुआ। आग का विशाल गोला धरती से उठकर आसमान पर छा गया। शुरुआत में इस धमाके की तस्वीर उतार रहे कैमरे के सामने भी सिर्फ चमक दिखाई पड़ी। विस्फोट से करीब 5 मील चौड़ा आग का गोला उठा था। इसके शोले इतने भयंकर थे कि इसे 1000 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। दुनिया के सबसे ताकतवर एटम बम के इस धमाके से पूरा नोवाया जेमेलिया द्वीप तबाह हो गया। सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित घरों को भी विस्फोट की वजह से काफी नुकसान पहुंचा था। इस धमाके के असर को समझने के लिए बस इतना ही काफी है कि सैकड़ों मील दूर से इस परमाणु धमाके की तस्वीर ली गई थी। किलोमीटर दूरी से इसका वीडियो पिक्चराइज बनाया गया, कोई उतना नजदीक भी नहीं गया। अगर उसके घेरे के अंदर ये चला जाता शायद 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर, जो आदमी वीडियोग्राफ लिया होता या वो चला जाता या उसका कोई ना कोई परिणाम उसके ऊपर होता, देह के ऊपर। रूस ने सिर्फ ताकत दिखाने के लिए इस बम का परीक्षण किया था। सोच कर देखिए, जिस तरह का हमला अमेरिका ने जापान पर किया था वैसा ही हमला इस बम के साथ अगर रूस किसी देश पर कर देता तो दुनिया का क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।